हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो अब तक हम अपने न्यूटन के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ सभी लॉज को पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला एक टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलो शुरू करते हैं अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन के साथ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तब क्या होता है? देयर टोटल मोमेंटम, कि उनका जो टोटल मोमेंटम होता है, कोई भी दो बॉडीज हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। यानी कि कोलिजन से, सपोज मेरे पास टू बॉल्स हैं, वो दोनों बॉल्स अभी सेम वेलोसिटी से या डिफर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में जा रही हैं, तो इस टाइम पे उनका जो मोमेंटम है वो इक्वल होगा। कब? जब वो दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाएंगी उसके बाद के मोमेंटम के। यानी कि जो दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, कोलिजन करेगी, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा, यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन रिमेन कॉन्स्टेंट। वो हमेशा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके अलावा वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका उन बॉडीज पे नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा? आपका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा किसी भी सिस्टम का। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है और एग्जाम में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसलिए उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझोगे, इसके तक जब आपके एग्जाम में ये टॉपिक आए तो आप इसको बिना किसी डाउट के बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो शुरू करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ। मान लो कि मेरे पास ये दो कोई बॉल्स हैं या ये दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। जो बॉडी ए है इसका मास मैंने क्या लिया है? एम वन। और जो बॉडी बी है इसका मास मैंने क्या लिया है? एम टू। अब बॉडी ए जो है वो यू वन वेलोसिटी से मूव कर रही है और बॉडी बी जो है वो यू टू वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एम वन मास है ए बॉडी का, एम टू मास है बॉडी बी का। ये बात तब है जब कोलिजन नहीं हुआ है, यानी कि कोलिजन टकराने से पहले की बात है। तो अब यू वन वेलोसिटी से बॉडी ए मूव कर रही है, यू टू वेलोसिटी से बॉडी बी मूव कर रही है। सपोज कि यू वन जो है वो ग्रेटर देन है यू टू से, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। तो जब ये दोनों आगे की तरफ मूव करेंगी तो किसी पॉइंट पे जाकर के ए और बी आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी। तो ये सीन क्या है? जब वो दोनों आपस में क्या कर रही है? कोलाइड कर रही है, यानी कि टकरा रही है। तो दिस इज एट कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो हमने उसका न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था। क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ? कि कोई भी एक्शन होगा तो उसके आंसर में क्या होगा? रिएक्शन होगा। यानी कि टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये दो बॉडीज आपस में टकराई तो बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाया, बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर कोई एक्शनल फोर्स लगाया। जब बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया तो उसके रिएक्शन में बॉडी बी ने भी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया होगा। यानी कि एफ ए बी क्या है? जो फोर्स ए ने बी पर लगाया, यानी कि बॉल ए ने बॉल बी पर जो फोर्स लगाया है, बॉल ए ये है, बॉल बी ये है, तो इस डायरेक्शन में ए बी वाला फोर्स होगा। और एफ बी ए क्या है? जो बॉडी बी ने बॉडी ए पे फोर्स लगाया, यानी कि इस डायरेक्शन में, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट होता है कि जब कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, वो भी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों की ऑपोजिट है। एक के डायरेक्शन टू द राइट है, एक के डायरेक्शन टू द लेफ्ट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ आता है कि बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया है, बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया है। तो इस टाइम पे क्या हुआ? इनका कोलिजन हुआ है। कोलिजन के बाद क्या होगा? दोनों बॉडीज अलग अलग हो जाएंगी और फिर से अपनी चेंज वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगी। तो मान लो कोलिजन के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी हो गई वी वन, यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और बॉडी बी की वेलोसिटी हो गई वी टू, जो कि बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। सिचुएशन क्या है? हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए का मास है एम वन, बॉडी बी का मास है एम टू।
ये जो बॉडी है ए वो मेरी u1 वेलोसिटी से मूव करी, यानी कि इस बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, इस बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी है u2, दोनों टकराई कोलिजन के टाइम पे, वो इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस वाली बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस क्या थी इक्वल एंड ऑपोजिट थे। कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडीज अलग अलग होगी क्योंकि कोलिजन हुआ था, चेंज हुआ है तो यानी कि वेलोसिटीज भी चेंज होगी, तो इस वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 और इस वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो अब हम क्या बोलते हैं, हमने मोमेंटम निकालना है क्योंकि हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम क्या डिस्कस किया था कि मोमेंटम क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ दोनों सिचुएशंस में मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियली इस बॉडी की बात करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का क्या है, इस सिस्टम का क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मास क्या है m1, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, तो इस वाली बॉडी का क्या हो गया मोमेंटम m1 u1, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मास क्या है m2, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है u2, यानी कि इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया m2 u2। अब दोनों सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का निकालना, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये क्या हो गया, इस पूरे सिस्टम का बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का ये मोमेंटम हो गया इनिशियल वाला। ये इनिशियल वाला कौन सा मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन। अब ये जो है फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम क्या है आफ्टर कोलिजन वाला, ये वाला कौन सा है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मतलब कि फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम। तो इस सिचुएशन पे जब दोनों का कोलाइड हो चुका है और दोनों अलग अलग मूव कर रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा m1 into v1, क्योंकि यहाँ पर v1 फाइनल वेलोसिटी है, प्लस m2 into v2 क्योंकि बी प्रोडक्ट की जो बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी v2। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो दिस इज द केस बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द केस आफ्टर कोलिजन। तो हमने यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन से मोमेंटम को दोनों निकाला है, बिफोर सिचुएशन में भी एंड आफ्टर सिचुएशन में भी। उसके बाद बारी आती है हमारी कोलिजन के टाइम पे। हमने अभी डिस्कस किया कि कोलिजन के टाइम पे क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो एफ ए बी ए बॉडी में बी पर फोर्स लगाया होगा, जिसको हमने नाम दिया है एफ ए बी। तो एफ ए बी क्या है, जो फोर्स ए ने बी पर लगाया है, यानी कि वो क्या है एक्शन फोर्स है। एफ ऐसे ही बॉडी बी ने भी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया होगा, तो एफ बी ए क्या है, जो फोर्स बी ने लगाया है किस पे, ए पे, तो वो क्या हो गया रिएक्शन फोर्स हो गया। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि एफ ए बी और एफ बी ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगा, फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। टू दी लेफ्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और टू दी राइट टू दी लेफ्ट को हम नेगेटिव लेते हैं। जब डायरेक्शन हमारी राइट साइड जाती है तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। अब बी ने फोर्स ए की तरफ राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ लगाया तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास कहां से आया, न्यूटन के थर्ड लॉ से, विच इज इक्वल एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी ए, यानी कि फोर्सेस तो बराबर है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अलग है। अब अभी पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था थर्ड लॉ से सेकंड लॉ से निकाला था ना हमने फोर्स, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए बी वाला फोर्स क्या है, ए बी ए ए वाले का m1 a1 m2 a2, क्योंकि ये फोर्स क्या है ए बॉडी का, ये फोर्स क्या है बी बॉडी का। बेसिकली बी बॉडी ने लगाया है ए पे, लेकिन फोर्स तो बी बॉडी का, इसलिए m2 a2। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का ही फर्क है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है। अब जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं तो उन्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, अगर मैं a v को कंसिडर ना करूं तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u और टाइम है t। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाएगी, v माइनस u बाय t। दोनों इक्वेशंस में हम क्या कर देंगे, a1 की जगह v1 माइनस u1 बाय t और a2 एक्सेलरेशन की जगह v2 माइनस u2 बाय t। v2 है फाइनल वेलोसिटी, u2 है b प्रोडक्ट की फाइनल वेलोसिटी, v1 है a की फाइनल वेलोसिटी, सॉरी u है इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a। उसके बाद क्या करना है, हमने टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वालिटी में इक्वेशन पड़ी हुई है। ब्रैकेट्स को खोल दो, ओपन कर दो, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज m1 v1 m1 u1 माइनस का साइन एज इट इज।
अब जब हम नेगेटिव बाहर पढ़ा है तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. दिस इज m2 v2 और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव और m2 u2 ये है. अब हमने क्या करना है रीअरेंज करना है. रीअरेंज कैसे करना है नेगेटिव वाली टर्म्स को एक साइड करना है इस वाली नेगेटिव टर्म को एक साइड करना है. जैसे अगर मैं इसको यहां पर लेके आऊं तो ये नेगेटिव है लेफ्ट साइड में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा. m1 v1 यहीं पे ही रहा m2 v2 को हम यहां पर लेके आए इक्वल टू ये m1 u1 नेगेटिव में था इसको हम राइट साइड पे लेके गए हैं m1 u1 प्लस m2 u2. m1 v1 m2 u2 क्या निकाला था हमने ये फाइनल मोमेंटम था. m1 u1 m2 v2 क्या था इनिशियल मोमेंटम था. फोर्स से शुरू किया था हमने न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया था. फाइनली हम आ कहां पे गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. इसका मतलब क्या है कि हमने तो फोर्स से शुरू किया था. फाइनल रिजल्ट हमारा है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा इक्वल इक्वल यानी कि कॉन्स्टेंट. तो ये जो बात हमने लेके चली थी उसको हमने प्रूव कर दिया. तो हेंस प्रूव यानी कि हमने प्रूव क्या किया है कि जो टोटल मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा अगर आप और कोई एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने क्या कहा कि कोई भी सिस्टम है अगर वो कोई दो बॉडीज हैं तो उन दो बॉडीज का सिस्टम का जो बिफोर कोलिजन है और जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा इक्वल रहेगा. तो हमने इसको प्रूव भी किया है विद द एग्जांपल ऑफ टू बॉल्स की दो बॉल्स ली उनको पहले कोलिजन से पहले दिखाया फिर कोलिजन पे दिखाया फिर कोलिजन के बाद दिखाया दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकाला. न्यूटन का थर्ड लॉ यूज किया. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. उसको यूज करके हमने इसने डेरिवेशन को डिराइव किया. ये इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाला टॉपिक है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. सिर्फ हमने क्या दो इक्वेशंस को यूज किया है जो आपने पिछली वीडियोस में समझी होंगी कि फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम यानी कि वी माइनस यू बाय टाइम. उसके अलावा हमने इसमें कुछ नया यूज नहीं किया है. तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा. इससे बाद जो वीडियोस आएंगी यानी कि अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक आल्सो क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और जल्दी ही कवर हो जाता है. तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.